दोस्तों आपको पता ना हो तो बता दूं कि पिछले कई सालों से शाहरुख खान जो कि बॉक्स ऑफिस के किंग माने जाते हैं, बॉलीवुड के किंग माने जाते हैं, उनकी कोई भी बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई थी। और दोस्तों कई सारे बड़े बड़े क्रिटिक्स कहते थे कि शाहरुख खान का करियर ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शेर का ज़माना होता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों बॉलीवुड का शेर वही है शाहरुख खान, उनको ऐसे ही किंग खान नहीं कहते। जी हाँ दोस्तों, पिछली कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ना चलने की वजह से उन पर कई सारे कमेंट्स हो रहे थे पब्लिक्स की तरफ से। लेकिन दोस्तों अब शाहरुख खान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के बाद उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया है पठान फिल्म के साथ। और दोस्तों पठान वो फिल्म रहेगी कि वो 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन वो 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी या फिर 350 करोड़ का, एक नया बेंचमार्क स्कोर कामयाब करेगी ये फिल्म। अब दोस्तों बात करते हैं पठान फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले सिद्धार्थ आनंद, जो कि एक्शन और थ्रिल फिल्म के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के अंदर सलमान खान टाइगर का लुक लेके आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उनका छोटा कैमियो नहीं रहेगा, उनका 20 से 25 मिनट का कैमियो रहेगा, यानी कि वो फिल्म के तीसरे भाग में है ऐसा माना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पठान का रोल करते नजर आएंगे शाहरुख खान, जो कि एक रो एजेंट रहेंगे। दीपिका पादुकोण है इस फिल्म के अंदर, डिंपल कपाड़िया है और जॉन अब्राहम है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद एक्शन और थ्रिल जैसी फिल्म पहले डायरेक्ट कर चुके हैं, जो है वॉर और बैंग बैंग। वॉर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, 350 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। और दोस्तों पठान फिल्म से कुछ ऐसी ही उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न भरा है। जी हाँ दोस्तों, बजट की बात करें तो लगभग 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा। और दोस्तों जिस तरह से पठान फिल्म का ट्रेंड और बज बना हुआ है पब्लिक्स के बीच में, उस तरह से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होगी। और दोस्तों जल्द से जल्द पठान 2 फिल्म भी आएगी, क्योंकि ये एक टाइगर जैसी ब्लॉकबस्टर सीरीज बन जाएगी। दोस्तों हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग यूरोप में चल रही है। पहले दोस्तों ये फिल्म 2021 में आने वाली थी, लेकिन दोस्तों कोविड की वजह से अब ये फिल्म पोस्टपोन हो गई है। अब ये फिल्म 2022 में आएगी। अब ये फिल्म ईद के मौके पर तो नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि ईद के मौके पर सलमान खान की टाइगर जिंदा है 3 आएगी, ये कन्फर्म है दोस्तों। और उनके साथ कोई भी बॉलीवुड का स्टार क्लैश नहीं करेगा। तो ये फिल्म दिवाली या फिर क्रिसमस में आ सकती है। अगर दोस्तों ये फिल्म दिवाली या क्रिसमस के मौके पर आई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को एक नया ब्लॉकबस्टर फिल्म देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पठान फिल्म शाहरुख खान सर की करियर की पहली 300 करोड़ क्लब वाली फिल्म बनेगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर